हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, नए सामाजिक आंदोलन के बारे में पिछले पीरियड्स में मैंने आपको बताया था, अब हम उसी के आगे पढ़ेंगे। दलित पैंथर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी बच्चे आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। महाराष्ट्र में जातीय समानता तथा दलितों के कल्याण के लिए कई आंदोलन चलाए गए हैं। आज़ादी के पूर्व 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने अपनी संस्था सत्य शोधक समाज के माध्यम से महाराष्ट्र में जातिगत विषमताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई और 20वीं शताब्दी में भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के अधिकारों के लिए संवैधानिक व राजनीतिक संघर्ष किया। दलितों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तथा उन्हें संगठित करने में डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। दलित पैंथर्स की स्थापना। दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक उग्र दलित संगठन है जिसकी स्थापना महाराष्ट्र में 1972 स्टूडेंट्स ध्यान देंगे 1972 में महाराष्ट्र में की गई थी। दलित पैंथर्स के सदस्य पढ़े लिखे दलित युवा हैं तथा अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की मांग के लिए दलित पैंथर्स को एक प्रभावी मंच के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। दलित पैंथर्स के द्वारा जातिगत विषमताओं, अन्याय, शोषण व अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया गया। दलित पैंथर्स ने सामूहिक जन आंदोलन के माध्यम से दलित अधिकारों को प्राप्त कराने का प्रयास है। इसका मुख्य ध्यान महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में हो रहे दलित विरोधी अत्याचारों का विरोध करना था। उनके निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया जिसमें दलितों के प्रति अत्याचार करने वाले लोगों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई है। दलित पैंथर्स की विचारधारा यह है कि जाति प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तथा समाज के विभिन्न शोषित और पीड़ित कमजोर वर्गों का एक बड़ा संगठन बनाया जाए। दलित पैंथर्स ने शिक्षित दलित युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से वे अपनी रचनात्मक क्षमता और विरोध दोनों को व्यक्त कर सकते हैं। दलित लेखकों ने अपनी जीवनी तथा अन्य रचनाओं के माध्यम से दलित अत्याचारों के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन दलित रचनाओं ने महाराष्ट्र में साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। इसी कारण साहित्य का आधार व्यापक हुआ है तथा उसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों से जुड़े सरोकारों को भी शामिल किया गया है। फिर आगे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टूडेंट्स ये भी ध्यान से पढ़ेंगे आप। ये सारा टॉपिक जो नए सामाजिक आंदोलन के उदय में इस चैप्टर में आए हैं ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर व नर्मदा पर बांधों के बनने से गुजरात व मध्य प्रदेश को पानी व बिजली की सुविधाएं मिल सकेंगी। यह बहुउद्देशीय योजनाएं जन कल्याण का लक्ष्य पूरा करेंगी।
किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिलेगा तथा लोगों को बिजली उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों की जमीनें ली जाएंगी तथा बसे हुए लोगों विस्थापित हो जाएंगे। यह भी आशंका है कि बहुत ऊंचे बांध के अनायास टूट जाने से बहुत सा भाग जलमग्न भी हो जाएगा। ১৯৮০ के दशक में मध्य भारत की नर्मदा घाटी में नर्मदा परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़े 135 मंझले तथा 300 छोटे बांधों का निर्माण किया जाना था। नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़ी नदी परियोजनाओं से जुड़े उक्त सरोकार से संबंधित एक आंदोलन है। विकास और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। भारत में अपनाई गई विकास प्रक्रिया के कारण पर्यावरण विघटन की समस्या भी उत्पन्न हुई है। 1970 के दशक में ही सामाजिक आंदोलन द्वारा पर्यावरण के मुद्दे को उठाया जाता रहा है। इसी संबंध में एक प्रमुख मुद्दा नदियों पर बनाए जाने वाले बांधों के लाभ व हानि से संबंधित है। इस परियोजना के अंतर्गत दो सबसे बड़े प्रस्तावित बांध थे, गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध। 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा विस्थापितों से जुड़े गए मुद्दों को उठाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी योजना में जो सामाजिक लागत निहित होती है उसका विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। परियोजनाओं की सामाजिक लागत में पर्यावरण का विघटन, विस्थापितों की आजीविका की समाप्ति, सांस्कृतिक क्षरण आदि बिंदु भी शामिल हैं। आरंभ में नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा विस्थापितों की समस्या के समाधान की मांग की गई। बाद में इस आंदोलनों द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लागू करने का निर्णय लेने में भी प्रभावित स्थानीय समुदायों को शामिल करने की मांग की गई। इसकी मांग थी कि परियोजना क्षेत्र में स्थित स्थानीय समुदायों को वहां के प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, भूमि तथा वनों पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त होने चाहिए। थैंक यू।